हेलो डियर लर्नर्स, हम आपकी तैयारी में आप हेल्प करने के लिए और आपकी तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए लेकर आए हैं ऑफलाइन क्लासेस। एवरी सैटरडे ये क्लासेस हैं, हर सैटरडे को हुआ करेंगी, ऑफलाइन मोड में होंगी। और ये क्लासेस हमारे ऑनलाइन या ऑफलाइन पेड बैचेस में एनरोल कैंडिडेट्स के लिए हैं। तो कोई भी ऐसा कैंडिडेट जो हमारे किसी ऑनलाइन या ऑफलाइन बैच में एनरोल्ड है या था, वो इन क्लासेस को अवेल कर सकता है और अपनी तैयारी को आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए और बेहतर कर सकता है, अपने डाउट्स कन्फ्यूजन्स को दूर कर सकता है और काफ़ी कुछ नया भी सीख सकता है। ये जो प्रोग्राम है ये ओनली सैटरडे क्लासेस हैं, ओनली सैटरडे एंड ओनली ऑफलाइन। और प्रोग्राम का शेड्यूल क्या है, किस तरीके से क्लासेस होंगी, क्या किया जाएगा, ये मैं आपको इस वीडियो में शॉर्ट में बता देता हूँ। देखिए, ये क्लासेस हम इस सैटरडे से ही स्टार्ट कर रहे हैं। इस सैटरडे का मतलब है 10th of September। सबसे पहला सेशन जो होगा वो आपका होगा 10th of September, 10 सितंबर 2022 को, ठीक है, ये पहला आपका सेशन होगा। सैटरडे का जो आपका सेशन होगा दो पार्ट्स में होगा, इसमें दो सेशंस होंगे बेसिकली। देखिए, एक होगा सेशन वन, जिसमें हम किसी एक ग्रामर के टॉपिक को कंप्लीटली रिवाइज करेंगे, एक कॉम्प्रिहेंसिव असाइनमेंट के थ्रू उसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का, कॉन्सेप्ट्स का रिवीजन करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, उसका डिस्कशन भी करेंगे पूरा असाइनमेंट का। फर्स्ट सेशन में हम ये करेंगे। 10 सितंबर को जो हमारा पहला सेशन होगा उसके लिए हमने टॉपिक डिसाइड किया है, इसके लिए जो आपका सेशन वन है इसके लिए हमने टॉपिक डिसाइड किया है एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर होता है, काफ़ी ज़्यादा इसमें कॉन्सेप्ट्स और क्वेश्चंस होते हैं। तो सेशन वन जो है इसमें हमारा टॉपिक है एडजेक्टिव्स। आप अपना एडजेक्टिव्स को अच्छे से, जो भी आपने पढ़ा है, जो भी आपको ऑनलाइन या ऑफलाइन बैच में पढ़ाया गया है, उसको अपना समझें, उसको अपना रिवाइज करें। जब भी वीडियो आपको मिल जाए उससे तुरंत ही उसमें आप बिजी हो जाएं, एडजेक्टिव चैप्टर को अपना पूरा पढ़ें, जहाँ भी आपने ऑनलाइन ऑफलाइन पढ़ा उसको पूरा अच्छे से रिवाइज करें और उससे रिलेटेड अपने डाउट्स और कन्फ्यूजन्स हैं उनको नोट कर लें। हम क्या करेंगे फर्स्ट सेशन में, सबसे पहले एडजेक्टिव चैप्टर जो है इसका एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस असाइनमेंट होगा उसको करेंगे, उसका डिस्कशन करेंगे हर एक क्वेश्चन का, और उसके बाद में भी अगर कोई डाउट्स या कन्फ्यूजन्स बचे रह गए तो फिर एक डाउट डिस्कशन करेंगे। एक डाउट डिस्कशन का सेशन रहेगा कि असाइनमेंट डिस्कस करने के बाद भी, प्रैक्टिस करने के बाद भी अगर आपके कोई डाउट्स बचे रह गए हैं एडजेक्टिव चैप्टर से रिलेटेड, कोई ऐसा पर्टिकुलर क्वेश्चन है, कोई पर्टिकुलर ऐसा कॉन्सेप्ट है जो आपको समझ में नहीं आया, जिससे रिलेटेड कोई डाउट है, तो वो आप डिस्कस कर सकते हैं। तो हमारा फर्स्ट सेशन जो है सैटरडे का उसका टॉपिक है एडजेक्टिव्स। सेकेंड सेशन जो होगा, सेशन टू जो आपका होगा, इसमें हम एक कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट डिस्कस करेंगे। इसमें क्या होगा आपका, अ कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट ठीक है, ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश का जो कॉम्पिटिशन का आपका सिलेबस होता है उसका एक कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट कंडक्ट करेंगे। 50 मार्क्स का टेस्ट होगा, वो टेस्ट आपको यहीं पर सेंटर पर ही बैठकर देना होगा, आप उसको यहीं अटेम्प्ट करेंगे। और जब आप टेस्ट को अटेम्प्ट करके अपनी आंसर शीट सबमिट कर देंगे फिर हम उसका डिस्कशन करेंगे, ठीक है, विद डिटेल्ड सॉल्यूशन या विद डिटेल्ड डिस्कशन। फिर हम उसी टेस्ट का, उसके हर एक क्वेश्चन का डिटेल्ड डिस्कशन करेंगे ऑफलाइन मोड में। ये आपका शेड्यूल है। फर्स्ट सेशन जो है इसकी टाइमिंग है 10 AM। पहला सेशन आपका 10 बजे से स्टार्ट होगा, 2-2.5 घंटे की क्लास होंगी, तो हम मान के चल रहे हैं कि 12 बजे तक या 12:30 बजे तक ये क्लासेस होंगी। उसके बाद में, या एक भी बच सकता, मतलब हम ये मान के चल रहे हैं कि 2.5-3 घंटे का सिलेबस होगा। उसके बाद में नेक्स्ट सेशन जो है वो आपका 1:30 बजे से होगा, दोनों सेशंस के बीच में एक ब्रेक होगा। और नेक्स्ट सेशन जो है आपका सेकेंड सेशन जो है टेस्ट का,
वो आपका 1:30 बजे से होगा, ये शेड्यूल। पंक्चुअल रहेंगे, लेट एंट्री अलाउड नहीं होगी, ठीक है। और अगर आप पंक्चुअल हैं, आप पढ़ाई को लेकर सीरियस हैं, आप रेगुलर हैं, तो ये सेशंस आपके लिए हमेशा रहेंगे। बस हमारा जो फोकस होता है वो इस पे होता है कि यू बी पंक्चुअल, यू बी रेगुलर, यू बी डिसिप्लिन्ड। आप डिसिप्लिन्ड हैं, रेगुलर हैं, पंक्चुअल हैं और अपने गोल को लेकर सीरियस हैं। यू आर सीरियस अबाउट योर प्रिपरेशंस, ठीक है। आप अपने गोल को लेकर, अपनी तैयारी को लेकर सीरियस हैं, देन वी आर विद यू, तो हम आपके साथ में, ठीक। तो टाइम से पहुंचना है, लेट नहीं होना है, लेट एंट्री अलाउ नहीं की जाएगी। यहां तक पहुंचने में आपको कोई प्रॉब्लम हो, कोई समस्या हो, तो आप हमारे ऑफिस के नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑफिस के नंबर्स ये हैं 888-88-78-88-78, फिर से मैं बता देता हूँ 888-88-88-78। इन नंबर्स, एक और नंबर आप 999-111-9159, ठीक है, 999-111-9159, ये नंबर्स हैं। ऑफिस टाइमिंग में आप इन पर कॉल कर सकते हैं, अदरवाइज आई वुड सजेस्ट दैट यू प्रेफर व्हाट्सएप मैसेज। आप व्हाट्सएप के थ्रू तो किसी भी समय कांटेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो आप ऑफिस टाइमिंग में कॉल भी कर सकते हैं। किसी भी तरीके की आपको कोई हेल्प चाहिए, वैसे मैंने आपको बता दिया यही होना है। 10th of September सैटरडे को क्लास है, ओनली सैटरडे, ओनली ऑफलाइन, दोनों बातें ध्यान रखनी है। फर्स्ट सेशन जो है उसकी क्लास 10 बजे से स्टार्ट होगी, उसमें एडजेक्टिव चैप्टर को हम पूरा रिवाइज करेंगे, उसके सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे और उससे रिलेटेड जो आपके डाउट्स कन्फ्यूजन है उनका डिस्कशन करेंगे। उसके बाद में एक ब्रेक होगा, उस ब्रेक के बाद में हम एक कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट जिसमें ग्रामर के क्वेश्चंस भी होंगे, वोकैब के क्वेश्चंस भी होंगे और आपके PQRS क्लोज टेस्ट और अनसीन पैसेज के क्वेश्चन भी होंगे। 50 मार्क्स का टोटल एक बैलेंस टेस्ट होगा, वो आपको अटेम्प्ट करना होगा, उसके थ्रू आप जान पाएंगे कि आपकी तैयारी कितनी अच्छी है। फिर हम जब आप उस टेस्ट को सबमिट कर देंगे, उसके बाद में उसी टेस्ट का डिटेल्ड डिस्कशन करेंगे, एक एक क्वेश्चन को विद एग्जांपल आपको समझाया जाएगा, ठीक। और उसके बाद में हमारा जो सैटरडे की क्लास है वो ओवर हो जाएंगे। पंक्चुअल रहना है, टाइम से पहुंचना है और ये क्लासेस हमारे ऑनलाइन और ऑफलाइन पेड बैचेस में एनरोल कैंडिडेट्स के लिए। कोई भी ऐसा बच्चा, कोई भी ऐसा लर्नर जो हमारे किसी ऑनलाइन या ऑफलाइन बैच में एनरोल्ड है या एनरोल्ड था और आने वाले कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहा है और उसकी तैयारी में हेल्प चाहता है इस सेशन की, तो वो आके इसको अटेंड कर सकता है। इट इज़ फ्री ऑफ चार्ज, ये बिल्कुल फ्री है, वी आर नॉट गोइंग टू चार्ज एनीथिंग, ठीक है। वी आर जस्ट हियर, मतलब ये केवल बच्चों को हेल्प करने के लिए, ठीक है। ये केवल एक दिन, वंस अ वीक, ये सेशन एवरी सैटरडे आपके होते रहेंगे। तो मौके का फ़ायदा उठाइए, अपनी तैयारी को ब्रशअप कीजिए और इसी तरीके से आगे बढ़िए। तो फिलहाल में हम लोग मिलते हैं सैटरडे को, तब तक आप अपना एडजेक्टिव चैप्टर जो है, जो भी आपने ऑनलाइन या ऑफलाइन में पढ़ा है, उसके पूरे नोट्स को रिवाइज़ करें, जिससे कि प्रैक्टिस क्वेश्चंस को आप समझ पाएँ और रिवाइज़ करते समय जो भी डाउट्स या कन्फ्यूजन्स आएँ उनको अपना नोट कर लें और ऑफलाइन क्लास में मेरे साथ डिस्कस करें, ठीक है। तो बस जुट जाइए एडजेक्टिव्स के रिविज़न में और फिर मिलते हैं हम लोग सैटरडे को, तब तक कीप एंजॉइंग लर्निंग इंग्लिश। थैंक्स एवरीबॉडी।